महू के ग्राम हरनियाखेड़ी पहुंचने के लिए रहवासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यहां पर बने हुए रेलवे अंडरब्रिज के नीचे बारिश का पानी जमा हो जाता है, जिससे निकलकर रहवासियों को आना जाना पड़ता है। आपको बता दें कि इस रास्ते से करीब 4 गांव के लोग आवागमन करते हैं। महू के ग्राम हरनियाखेड़ी के रहवासियों ने कई बार इस समस्या को लेकर रेलवे के अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपा, लेकिन आज तक इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। बारिश के मौसम में रेलवे अंडरब्रिज के नीचे करीब 1 से 1.5 फीट तक पानी भर जाता है, जिसमें से निकलकर रहवासियों को आवागमन करना पड़ता है। बारिश में 4 महीने बहुत परेशानी रहती है। 4 गांव के लोग निकलते हैं, ऊपर से निकलते हैं, नीचे से भी दिक्कत आती है। 4 महीने बहुत परेशानी रहती है, बहुत दिक्कत है। कम से कम 150-150 गाड़ी इकट्ठी हो जाती है बारिश के लिए। बारिश में बहुत दिक्कत है, गाड़ी निकल नहीं पाती है। पैदल वाले भी पटरी कूद के निकलते हैं, तो बहुत परेशानी है। वो एक गांव नहीं है, 4 गांव जुड़े हुए हैं इस गांव से। ना पड़ता हमको ब्रिज के नीचे से, और आए दिन यहाँ गाड़ियों गिर जाती है और गाड़ी फंस भी जाती है। कितनी बार तो लेडीज़ें निकल नहीं पाती, पटली को पड़ जाती है तो लेडीज़ उनके पैर स्लिप खा के लेडीज़ भी गिर जाती है, और यहाँ नाले के अंदर से भी गिर जाते हैं कितने ही। अभी कल परसों बहुत पानी आ चुका था, तो चक्कर में गाड़ियों सब अंदर बंद बंद हो जा रही थी, और गाड़ियों के इंजन टलक में पानी फंस चुका है। और 4 गाँव हैं, 4ों गाँव के दर से ही निकलते अपना माल भी ना क्या पिपलिया मल्हार पिपलिया और कौटी बजरंगपुरा हरनाखेड़ी, ये 4ों गाँव पड़ते हैं। और अपनी काकड़ और अंदर कॉलोनी काटी गई है, और कॉलोनी के लोगों भी सब परेशान है। पूरा गांव परेशान रहता है नाले के कारण। तो पूरी प्रशासन को वगैरह उसकी शिकायत कर चुके हैं? प्रशासन को 10 बार शिकायत कर दी, मगर इसका कोई निर्णय कारण नहीं होता। सरपंच करने भी जाते तो सरपंच भी कोई निर्णय कारण नहीं करता। आए दिन परेशानी होती है, और आए दिन कोई ना कोई दुर्घटना हो जाती है।